हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। चलिए, कैसे हो आप सभी? साउंड आ रहा है प्रॉपर? क्लास में ले सकता हूँ अब? जल्दी से बता दो एक बार सारे विद्यार्थियों, साउंड प्रॉपर है? हेलो अनूप, वेलकम। रोहित, साउंड आ रहा है? चलिए, क्लास को आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए। नमस्ते, जल्दी से आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में। अगर आप सभी मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड रूप सर या रूप लाइफ डाल के ज्वाइन कर सकते हैं आप अनअकैडमी प्लस। मैं आप सभी के लिए एमपीपीएससी मेंस का न्यू बैच जो है, आप सभी के लिए शुरू हो रहा है मेंस का न्यू बैच। ये बैच जो है 14 जुलाई से शुरू होने वाला है। साथ ही आप सभी के लिए एमपीएसआई का न्यू बैच शुरू हो चुका है अनअकैडमी प्लस पर। तो आप वहां पर एमपीजीके और करंट अफेयर का बैच जो है एमपीएसआई में आपके लिए कल शुरू हो रहा है, और एमपीपीएससी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर। इसके साथ ही विद्यार्थियों, आप सभी के लिए अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अभी ज्वाइन करते हो, रेफरल कोड रूप से डालते हो तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। इसके अलावा विद्यार्थियों, आप सभी के लिए जुलाई 13 से एक नया बैच शुरू हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे। इस पे भी आप मेरा बैच जो है रेफरल कोड रूप से डालकर ज्वाइन कर सकते हैं आप अनअकैडमी। इसके अलावा एक और नया बैच जो है 27 जुलाई, और एक नया बैच जो है 20 जुलाई को शुरू होने वाला है, तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी बैचों को ज्वाइन करने पर आप रूप से डालते हो तो हर सब्सक्रिप्शन पर जो है 10% का ऑफ रहेगा। अब आप प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आज का टॉपिक है सबसे पहले 2022 में जो पार्क स्थापित किए गए हैं वो, जैसे एमपी में पहला डाकू संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ, तो ये मध्य प्रदेश के भिंड डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। चलिए, तो सारे पहले अपन संग्रहालय याद कर लेते हैं, जैसे पुलिस संग्रहालय बैतूल में। करोगे पुलिस संग्रहालय कहाँ पर, ये बैतूल में बनाया गया। गणेश संग्रहालय ये इंदौर में। इन्फेट्री संग्रहालय ये भी इंदौर में। इन्विट्री संग्रहालय कहाँ पर है, इंदौर में है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आप नेक्स्ट क्या रखोगे, क्रिकेट संग्रहालय, क्रिकेट संग्रहालय इंदौर में, ठीक है। रामलीला समारोह, राम लीला संग्रहालय ये देश का पहला है, ठीक है। मानव जनजाति संग्रहालय, करोगे जनजाति संग्रहालय, एक सेकंड रुकना, जनजाति संग्रहालय कहां पर है, भोपाल में है। फिर रखोगे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये कब बनाए, 1985 में। ये क्या है बालकों, देश का पहला मानव संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में स्थापित, ये देश का पहला है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा खेल संग्रहालय, तो खेल संग्रहालय भोपाल में। खिलौना संग्रहालय, खिलौना संग्रहालय कहाँ पर बनाए, तो ये बुधनी में। सीमेंट संग्रहालय,
सीमेंट संग्रहालय सतना में, हीरा संग्रहालय तो खजुराहो में, रहोगे खजुराहो में, हीरा आर्ट संग्रहालय ये कहां पर, पन्ना में, कहां पर होगे, पन्ना में इसकी जो है स्थापना की गई। ठीक है, फिर आ जाओ इसके अलावा ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अपन विद्यार्थियों डायमंड पार्क। इंदौर पहला, दूसरा पन्ना में। डायमंड पार्क पहला कहाँ है, इंदौर में, दूसरा कहाँ बनाएंगे विद्यार्थियों, पन्ना में। ठीक है, फिर आ जाओ मसाला पार्क, पहला छिंदवाड़ा, दूसरा गुना में। मंदसौर में लहसुन पार्क, करोगे मंदसौर में लहसुन। धनिया में धनिया पार्क, गुना शहर में। ठीक है, गोल्ड प्रेजेंटेशन, गोल्ड प्रेजेंटेशन पार्क ये कहां पे है, तो ये इंदौर में, कहां होगे, इंदौर में। मध्य प्रदेश की पहली वैल्यून वन जीवन सफारी कहां लॉन्च हुई, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहां पर, वाधवगढ़। इसके अलावा विद्यार्थियों विश्व की पहली टाइगर सफारी ये कहां लगा है, इटावा में। कहां पर, इटावा में। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी, रोगे व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर है, मुकंदपुर सतना, कहां रहोगे, मुकंदपुर सतना में रखी गई। कहां रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, मुकंदपुर सतना डिस्ट्रिक्ट में जो है पहली टाइगर सफारी। फिर सबसे बड़ी टाइगर सफारी कहां है, तो ये है अपनी अटल नगर में, अटल नगर रायपुर। फिर है इसके अलावा नेक्स्ट पीपीपी पर आधारित पहली टाइगर सफारी, टाइगर सफारी कहां, पचमढ़ी में। एयर टाइगर सफारी काना, और बांधवगढ़। नाइट टाइगर सफारी काना, वाधवगढ़, पेंच, वन विहार ठीक है, और राला मंडल, कहां हो गए, राला मंडल इंदौर में। डायनासोर एडवेंचर पार्क कहां बनाया गया है, तो ये मांडू में बनाया गया है, कहां रखोगे, मांडू जिले में। चलिए इतना तैयार हुआ बेटा, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ साथ में,
और क्लास को शेयर नहीं करोगे। सभी बालक क्लास को शेयर भी करते चलो जल्दी जल्दी से। बेटा बहुत बड़ी क्लास लूँगा आज आपकी, आप प्रत्येक टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लेना हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखना पड़ेंगी इसमें, ठीक है। और आप में से कितने विद्यार्थी जो हैं रेंजर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ, आप में से कितने बालक ऐसे हैं जो रेंजर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं? चलें बालक, चलिए अब आ जाओ। मध्य प्रदेश में एशिया का पहला सीमेंट संग्रहालय कहाँ बनाए थे? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट में बनाया। आर्टिफिशियल हब जो है कौन सी जगह बनेगा? तो आष्टा बनाएंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साइंस सेंटर की स्थापना की है? तो छिंदवाड़ा। कहाँ रहोगे? छिंदवाड़ा में जो है एक साइंस सेंटर की स्थापना, छिंदवाड़ा के बोरे गांव में। यहां पर फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जा रहा है, साथ में एक ग्रुप कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी यहां की गई है। डायमंड म्यूजियम संग्रहालय कहाँ बनाएगा? खजुराहो में, ठीक है। इसके अलावा हीरा आर्ट संग्रहालय कहाँ बनाएंगे? तो ये पन्ना में। कहाँ बनाएंगे? पन्ना में। मध्य प्रदेश में डायमंड पार्क जो है कहाँ बनाया जाएगा? तो पन्ना और इंदौर में बनेगा। मध्य प्रदेश में रेल नीर बनाने का प्लांट कहाँ है? मंडीदीप में है। मंडीदीप में ही जो है ऑप्टिकल फाइबर प्लांट, ऑप्टिकल फाइबर प्लांट कहाँ है? ये भी मंडीदीप में, जापान की सहायता से बनाए थे। किसकी से? जापान की सहायता से ये बनाया गया। मध्य प्रदेश में रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ पे बनाई जा रही है? ये उज्जैन में। उज्जैन में ही जो है वैदिक घड़ी कहां लगा रहे हैं? उज्जैन में। सर्प पार्क की स्थापना भी उज्जैन में करोगे? सर्प पार्क की स्थापना कहां करेंगे बालक? तो अपन उज्जैन में जो है सांप पार्क की भी स्थापना करी जा रही है, ठीक है। फिर नमकीन को जीआई टैग पर मध्य प्रदेश से किस शहर ने दावा किया पोयो सिकंजी का? तो इंदौर। क्या होगी पोयो सिकंजी का कहां पर? इंदौर में। नमकीन को जीआई टैग रतलाम। इसके अलावा महेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला जीआई टैग 2005 में, ठीक है। कड़कनाथ बाघ प्रिंट, पीतल के बर्तन और चिनोर चावल, ये बालाघाट 2021 में कृषि का पहला। कृषि का पहला जीआई टैग किसे दिया गया? तो कृषि का जो है पहला जीआई टैग जो है इसी को दिया गया। क्या होगे? कृषि का पहला जीआई टैग इसी में। इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में कौन से शहर जुड़ेंगे? महू, देवास और पीतमपुर। जबकि भोपाल कैपिटल एरिया में सीहोर,
अब्दुल्लागंज ये रायसेन में आता है और मंडीदीप का एरिया जोड़ा जाएगा। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चले आगे। जल्दी से बालों को लाइक कर लो। और बेटा आपकी रेंजर की क्लास जो है लर्नर एप पर जो है 18 जुलाई से शुरू हो जाएगी। जो प्यारे विद्यार्थी रेंजर की तैयारी करना चाहते हैं उनकी क्लास जो है कब से शुरू हो जाएगी, तो आप सभी क्लास जो है रेंजर की 18 जुलाई से। और आप सभी के लिए विद्यार्थियों पटवारी का न्यू बैच चालू हो चुका है। सर बेटा अभी तो ऋषभ नहीं बता पाए क्योंकि अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि क्या क्या टॉपिक जोड़े गए हैं। जैसे ही आएगी बालकों मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चले प्यारे बालकों, बढ़े चलो। अब आ जाओ, प्राकृतिक गैस से संचालित होने वाला मध्य प्रदेश का पहला सब ग्रह कहां बनाया गया, तो ये इंदौर में। कॉन्ट्रैक्ट खेती शुरू करने वाला देश का प्रदेश का पहला जिला कौन सा है, नीमच है। नीमच में ही हेलमेट बैंक की स्थापना कहां हुई है, तो नीमच में अपन ने हेलमेट बैंक की स्थापना कहां की है, तो ये नीमच में की है, ठीक है। जबकि साबुन बैंक की स्थापना बैतूल में। साबुन बैंक कहां पर है, बैतूल में। खिलौना बैंक जबलपुर में, ठीक है। फिर टाइम बैंक बैतूल में, काजू प्रसंस्करण इकाई बैतूल। फिर हो गए काजू प्रसंस्करण इकाई कहाँ है, बैतूल में, ठीक है। इसके अलावा काजू प्रसंस्करण इकाई बैतूल, सब्जी प्रसंस्करण इकाई मुरैना, आलू टिशू कल्चर लैब, आलू टिशू कल्चर लैब, आलू की खेती एरोपोनिक विधि से कहां शुरू हुई, फिर आलू प्रसंस्करण इकाई आलू रिसर्च सेंटर ये ग्वालियर में कहां पे, ये सभी चीजें कहां शुरू हुई है विद्यार्थियों, ग्वालियर में हुई है। कहां पे हुई है अपनी ये सारी चीजें, ग्वालियर में अपन ने शुरू की थी, ठीक है। चलिए फिर एमपी का पहला तितली पार्क कहाँ है, रायसेन में है, ठीक है। इसके अलावा कहाँ रहोगे, रायसेन पहला, रायसेन में, इंदौर, धार, धार वाला किसके नाम पे खुला है, जमुना देवी के नाम पे, ठीक है। फिर चौथा भोपाल, पांचवा ग्वालियर। पहला एडवांस बटरफ्लाई पार्क, पहला एडवांस
बटर फ्लाई पार्क, ये खंडवा बनाए। कहाँ पे बनाया गया विद्यार्थियों? खंडवा में स्थापित। क्रिस्टल आईटी पार्क, अतुल आईटी पार्क और तीसरा आईटी पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये इंदौर में। पहला आईटी पार्क भोपाल, पहला प्राइवेट आईटी पार्क मंडीदीप रायसेन, पहला गार्बेज क्लिनिक ई वेस्ट कचरा पार्क कहाँ खोला और पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा पार्क कहाँ खोले? तो ये अपन बैतूल में खोले। देश का पहला गार्बेज पार्क कहाँ खोला गया? तो ये अंबिकापुर में, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। कहाँ खोले? अंबिकापुर छत्तीसगढ़। भारत का पहला रसोई स्व रसोई ग्राम कहाँ? तो बादशाह गांव। कौन सा हो गए? बादशाह गांव। पहला सौर ऊर्जा ग्राम, पहला सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा इंदौर, पहला सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन। करोगे पहला सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन कहाँ लगाए? पहला भोपाल, दूसरा कमलापति, पहला भोपाल दूसरा कमलापति। हवाई एयरपोर्ट कौन सा है? हवाई अड्डा डीएवी है। कौन सा हो गए? डीएवी। फिर तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, ये कहाँ पे है? ओमकारेश्वर में। कहाँ पे? ओमकारेश्वर खंडवा में इसकी स्थापना हुई। चलिए अब आप प्यारे विद्यार्थी इसके अलावा फिर बायो सीएनजी प्लांट 2022 में खंडवा में, ठीक है, बायो हाइड्रोजन प्लांट 2022 में गुना, बायो मिथाई जेसन प्लांट, ये इंदौर। कहाँ रहोगे? इंदौर। चलिए जल्दी से बना लीजिए। चलिए बेटा टॉपिक के अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलना। चलिए नोट डाउन हो गया। ओ बालको नोट डाउन हो गया। राइटिंग समझ में आ रही है?
चलिए चले चले ओके बालको, अब आ जाओ बालको नेक्स्ट। भात वाटिका कहाँ है? उत्तराखंड में। पॉलिनेटर पार्क या पराकर पार्क कहाँ बना है? हल्द्वानी नैनीताल में बनाया गया। जबकि लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया? मनुस्यारी में। ठीक है, इसके अलावा कवक पार्क भी यहीं बनाया। भारत का पहला हिम तेंदुआ को संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। भारत का पहला मॉस गार्डन, मॉस गार्डन कहाँ पर है? नैनीताल में। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड में बना है। कहाँ? छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। कृषि की भूमि का पट्टा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। देश का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो देहरादून में। देहरादून में के बारे में क्या होगी? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, क्या होगी? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये कहाँ पे? अपना देहरादून में। कवक पार्क कहाँ बनाए थे? पिथौरागढ़। मार्च 2021 में देश का पहला हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया विद्यार्थियों रानीखेत। रानीखेत कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। अब सुनो, फ्लोवर बेली, फूल घाटी, फ्लोवर बेली फूल घाटी, ये उत्तराखंड में। शांत घाटी, मूक घाटी, शांत घाटी, मूक घाटी, साइलेंट घाटी, ये केरल में। कहाँ पे? केरल में। इसके अलावा विद्यार्थियों फिर है पिन वैली, पिन वैली हिमाचल में। बोरी घाटी नर्मदापुर में। क्यों प्रसिद्ध है? सबसे मोटा तना सागौन। कितनी मोटाई है? 3.2 मीटर परिधि का। ठीक है, एमपी में, एमपी में क्या क्या मिलता है समझो। मध्य प्रदेश में क्या रहोगे? सबसे आगे क्या क्या चीज है? तो साल में एमपी साल में दूसरा स्थान, वन में पहला, सागौन में पहला,
सागौन में क्या रहोगे, फर्स्ट पोजीशन आती है, महुआ में पहला, हर्रा में पहला, सबसे ज्यादा राजस्व किससे मिलता है, हर्रा से। क्या रहोगे, सबसे ज्यादा राजस्व किससे मिलता है, हर्रा से। फिर क्या रहोगी इसके बाद, सागुन बांस में दूसरा, तेंदुपत्ता में प्रथम स्थान, ठीक है। 1964 में राष्ट्रीयकरण, 1964 में तेंदुपत्ता नीति कब आई, तो 1964 में वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य एमपी कब किया, 1970 कब किया है, 1970 में। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चले प्यारे बालकों, नमस्कार। चलिए तो बालकों, आप सभी में से कौन से बालक जो है पटवारी का मेरे साथ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ ही विद्यार्थियों फॉरेस्ट रेंजर का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ये दोनों बैच आपके लिए लर्नर एप पर रहेंगे। एमपीपीएससी के लिए सभी बैचेस मेरे अनअकैडमी प्लस पर चल रहे हैं, तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ बैच ज्वाइन करते हैं तो मेरा रेफरल कोड रूप लाइव डाल के आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप में से कितने विद्यार्थी जो हैं मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन करेंगे एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का, न्यू बैच जो है आपका 16 जुलाई से शुरू हो जाएगा और रेंजर का बैच जो है आप सभी के लिए 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, पटवारी बैच आपका चालू है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला कार्टून नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ, सूरत में। पहला डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ, तो ये हुआ गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर, महीसागर में। डायनासोर पार्क कहाँ बनाए हैं, क्या हो गए, डायनासोर पार्क, तो ये एमपी में मांडू में 2021 में। भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ लगाई गई, तो ये लगाई गई है विद्यार्थियों अपने गुजरात में। लिथियम क्या होता है, सबसे
हल्की धातु। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस तो हीलियम। गुब्बारे में गैस भरते हैं हीलियम। अब आ जाओ प्रवासी सेल। भारत का पहला प्रवासी सेल कहाँ बनाया गया? गुजरात के सूरत में। प्रवासी दिवस कब मनाते प्रवासी दिवस? तो 9 जनवरी को। कब मनाते हैं? 9। भारत का पहला एविएशन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अहमदाबाद में स्थापित। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनेगा? तो ये गुजरात में बनाएंगे, 5 गीगावाट का। कितने वाट का? 5 गीगावाट का जो है सबसे बड़ा प्लांट लगाया जाएगा। LIC पहला डिजिटल ऐप कहाँ से लॉन्च किया? आनंदा के नाम से शुरुआत। पहली रोपैक्स फ्री सेवा कहाँ शुरुआत हुई? गुजरात में। भारत की पहली शहद प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित हुई? तो गुजरात में। शहद जिला किसे बोलते हैं अपन? शहद जिला मुरैना। इसके अलावा गजक, सरसों और दूध उत्पादक कौन सा है? ये अपना मुरैना डिस्ट्रिक्ट है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है विद्यार्थियों अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद। अहमदाबाद में सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये मोदी जी के नाम से, ठीक है, अहमदाबाद में। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ रखोगे विद्यार्थियों? ये उड़ीसा में। कहाँ रहोगे? सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में है। चलिए जल्दी से बना लीजिए। बालक आज आप लाइक नहीं कर रहे हो, आप समझ में नहीं आ रहा क्या? आज आपने लाइक भी नहीं किया ना, शेयर तो कर ही नहीं रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो। चले क्या बोल रहे हो? कर दिया सर से नो शेयर, खुद ही पढ़ेंगे, बड़े बेकार हो हैं। चलो बेटा, चलो तुम्हें ये पढ़ाता हूँ आज मैं।
आज तुम ही भागोगी सबसे पहले पढ़ते पढ़ते। पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो भावनगर गुजरात में। पहली बैटरी से चलने वाली सिटी बस कहाँ शुरू हुई? तो गांधीनगर गुजरात में। जनरल को 10% रिजर्वेशन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC पश्चिमी राज्य गुजरात में है। देश का सबसे बड़ा 5 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित है, तो गुजरात में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित होगा। किस शहर में पहला डिजाइनर डेवलपमेंट सेंटर फैशन नोवा स्थापित किया गया? तो ये सूरत में। पहला कार्टून नेटवर्क मनोरंजन थीम पार्क कहाँ स्थापित हुआ? सूरत में। भारत के किस शहर में पहला समुद्रीय संग्रहालय खोला गया? तो लोथल। कहाँ पर? लोथल। किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू हुई? तो ये भी गुजरात में। समुद्री संग्रहालय कहाँ खोले? तो सुनो, समुद्री संग्रहालय लोथल। शराब संग्रहालय ये गोवा में। श्रमिक संग्रहालय ये केरल में। ठीक है, चंदन संग्रहालय ये कहाँ लगा है पालक? कर्नाटक में। रामलीला संग्रहालय भोपाल। बड़े देश में पहले हैं। ठीक है, रामायण संग्रहालय ये ओरछा में। कहाँ रहोगे? ओरछा में। हीरा संग्रहालय ये खजुराहो में। हीरा आर्ट संग्रहालय ये पन्ना में। ठीक है, फिर आता है विद्यार्थी सी में एक और ना, खिलौना संग्रहालय ये बुधनी में। कहाँ हो गए? बुधनी में स्थापित। तो बेटा ये 9 ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए जल्दी से बना लो, फिर अपन चलते आगे। बेटा जितना हो जाएगा ना मैं आज कराऊंगा आपको, ठीक है विद्यार्थियों? और जो चीज़ें बच जाएंगी ना एक्स्ट्रा, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट फाइल दूंगा। तो रूप सर टेलीग्राम चैनल से आप डॉक्यूमेंट फाइल डाउनलोड करोगे, ठीक है? चले ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट।
पहला चमड़ा पार्क रमईपुरा कानपुर, कानपुर क्या बोलते हैं अपन, चमड़ा सिटी भी कहते हैं। कानपुर में क्या रहोगे, सरकरा रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये कानपुर में है। क्या रहोगे, सरकरा रिसर्च सेंटर कानपुर। यहीं पर दलहन रिसर्च सेंटर है। जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया अपन ने, इलाहाबाद में। शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ की है, गोरखपुर में की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस जिले में मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जा रही है, तो कानपुर। हर्बल सड़क का निर्माण जो है किस जिले राज्य में होगा, तो उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर लंबी हर्बल सड़क बनाने की योजना है। ग्रीन ब्रांड निकालने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है, तो गाजियाबाद। और एमपी में पहला कौन है, अपने एमपी में भोपाल है। मध्य प्रदेश में कौन है, भोपाल। किस राज्य में पहली प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली सड़क का निर्माण हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश। कहाँ हो रहा है ये, यूपी में इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है बालकों, चलिए इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने का है नहीं है, जल्दी से नोट कर लो, 2-3 पॉइंट ही हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। उसको टूट जाएगा वो। चलिए अब आ जाओ, बस 2021 में भारत का पहला डिस्चार्ज शहर कौन सा हुआ, तो ग्रेटर नोएडा। गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अपने यहां गिद्ध को संरक्षण कहाँ दिया है, तो गिद्ध संरक्षण अपने यहां कहां पर है, गांधी सागर मंदसौर। ठीक है, फिर इसके कैन घड़ियाल सेंचुरी में पन्ना में इसे गिद्ध को संरक्षण दिया है। ठीक है, गिद्ध की मृत्यु क्यों हो रही है, डाइक्लो पैनिक दवाई के कारण। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पर है, पंजौर हरियाणा में। हाथियों के लिए पहला जल चिकित्सालय कहां खोला गया, हाथियों के लिए पहला जल चिकित्सालय कहां खोला गया, तो मथुरा में खोला गया। कहां रहोगे, मथुरा में इसकी स्थापना की। हाथी कॉलोनी कहां बनाई जाएगी, वादवगढ़ में। हाथी ग्राम कहां है, हाथी विलेज आमेर जयपुर। सफेद हाथियों का देश करोगे, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, थाईलैंड। 10 लाख हाथियों की भूमि, 10 लाख हाथियों की भूमि लाओस। हाथी पुनर्वास केंद्र केरल।
हाथी प्रोजेक्ट कितने हैं? 32। विश्व विरासत पशु कौन है? हाथी। फिर हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित होना है? लखनऊ में। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? ग्रेटर नोएडा में। फिर पुलिस चिकित्सालय, पुलिस चिकित्सालय कहाँ? तो भोपाल में। केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ ओपन करना है? भोपाल में। हिंदी का विज्ञान सम्मेलन पढ़ाई चुके लखनऊ में। पहला हेल्थ एटीएम कहाँ लगा है? लखनऊ में। एमपी का पहला रतलाम। युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? मेरठ। ठीक है, युद्ध स्मारक कहाँ बनाएंगे अपन? मेरठ में जो है आपका युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। ठीक है, यूपी 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य है। ठीक है, चलिए बनाइए। चले विद्यार्थी बड़े, नींद आने लगी, तुम्हारा क्या होगा ये? हाँ जो है, चले लिख लिए सारी चीजें? ओ बालक को लिख लिए हो तो चलो मैं आगे। सभी ने नोट डाउन कर लिया? चलिए, तो आप में से बालक जो पटवारी का बैच और रेंजर का बैच कौन ज्वाइन करने वाला है मेरे साथ? चलिए, पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? तो पहला फायर पार्क जो है भुवनेश्वर में स्थापित किया। पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? उड़ीसा में। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर है। कौन सा शहर रखोगे? पहला भुवनेश्वर। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बनना है? उड़ीसा में। हॉकी विश्व कप ২০২৩ में भारत में होगा। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क कहां स्थापित हुआ था? पहला छत्तीसगढ़ का था। पहला गार्बेज पार्क छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। पहला छत्तीसगढ़ पहला वाटर एजुकेशन पार्क कहां स्थापित हुआ था?
राइट उदयपुर। भारत किस रेलवे स्टेशन में पहला फन जोन स्थापित किया गया? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में क्या है? स्टायरीन गैस के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई थी, कई लोगों की मृत्यु कहाँ हुई थी? स्टायरीन गैस के। विशाखापट्टनम के बारे में क्या रहोगे? सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। डॉल्फिन गॉर्ज पहाड़ी से गिरा है। इसके अलावा जापान को लोहे का निर्यात होता है। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, नहीं बेटा सबसे बड़ी तेल ये नहीं। चलिए बना लीजिए विद्यार्थियों, थोड़े से पॉइंट इसमें तो जल्दी से बना लो बेटा। एमपीएसआई का मेरा एक वीडियो देख लो, एमपीएसआई की तैयारी कैसे करें। रूप सर अभी लिया था कुछ दिन पहले, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। चले प्यारे बालको, चले प्यारे बालको आगे बेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज अपन को पूरे करने हैं, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। चलिए अपन आज पूरे तैयार करेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ, कृषि कानून को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब था, ठीक है। रेल को उद्योग का दर्जा देने वाला, कृषि कानून के जो है रेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? भागलपुर बिहार में। दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकिल सेंटर कहाँ खोला गया है? दुबई में। क्रिप्टो बैंक, विश्व का पहला क्रिप्टो बैंक कौन सा था? तो यूनिकॉर्स था। क्या रहोगे? विश्व का पहला क्रिप्टो बैंक कौन सा है बालक? तो यूनिकॉर्स है। चलिए भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो चंडीगढ़ और हिसार के मध्य में। भारत का पहला डॉग पार्क, तो डॉग पार्क पहला हैदराबाद में, दूसरा चंडीगढ़ में। किस राज्य में पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन खोले? तो ये खोला विद्यार्थियों पर ने चंडीगढ़ में। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोले गए? चंडीगढ़ में। प्रथम वोटर पार्क गुरुग्राम में, गुरुग्राम में ही जो है अनाज एटीएम कहां स्थापित किए? गुरुग्राम में। यहीं पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, गुरुग्राम में लगा हुआ, ठीक है। फिर आ जाओ मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर भी इसी जगह है।
उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली कंजर्वेटिव पार्क कहाँ है? तो ये भी बालक गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। कहाँ रहोगे? ये भी अपन ने गुरुग्राम में इसकी स्थापना की है। चलिए तो बना लीजिए विद्यार्थी इसको। अब इसके बेटा आगे की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी ना आपकी, वो हम नेक्स्ट शनिवार को लेंगे, ठीक है? इसके आगे की बेटा क्लास जो इसका पार्ट दूसरा नेक्स्ट शनिवार को लूंगा। ठीक है, चलिए। तो बालक को मिलते हैं विद्यार्थियों, और कोई भी डाउट्स हो जो पूछना हो, इसकी पीडीएफ जितना मैंने अभी कराया है ना उतना मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, बनाकर, और स्क्रीनशॉट लिए वो नोट डाउन कर लेना आप सभी। दूसरा नेक्स्ट क्लास पर नेक्स्ट शनिवार को करेंगे इसी टॉपिक पे। अभी ये टॉपिक बेटा पूरा नहीं हुआ है, ठीक है? और आप में से जो मेरे साथ पीएससी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे, वो रूप लाइव डाल के ज्वाइन कर सकते हैं।